हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप सब देख रहे हैं कि दशहरा का समय है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं दशहरा में दुर्गा माता का पिक्चर बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि दुर्गा माता का पिक्चर बनाते हैं और सभी टेक्निक के हिसाब से किस एक एक टेक्निक को बताएंगे, किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे कैसे कहाँ पर कौन सा यूज किया जाता है, हर एक चीज़ को आप सबको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं, कोई भी पेज ले लो। हम यहाँ पर कार्टिज पेज लिए हैं, ये वीडियो लंबा हो सकता है, ये कार्टिज पेज लिए हैं। और उसके बाद बॉर्डर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टेप चिपका लेते हैं, जो कि कोई भी टेप हो सकता है, साइनिंग टेप हो सकता है या फिर मास्किंग टेप हो सकता है, जो कि हॉस्पिटल में वगैरह हम लोग यूज करते हैं, हॉस्पिटल में कटता फटता है तो यूज करते हैं, तो मास्किंग टेप का यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे बॉर्डर बन जाता है। अब हम लोग एक ले लेते हैं पेंसिल, हम यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज किए हैं, चारकोल पेंसिल का यूज करके इसे बनाया गया है। तो चारकोल पेंसिल का यूज करने के पहले इसे शार्प करना पड़ता है, शार्प करने के लिए स्पेशल आप सबको वीडियो बना देंगे कि पेंसिल को कैसे शार्प किया जाता है। ये सब पेंसिल जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, 60 रुपये 70 रुपये के एक पेंसिल मिलता है। तो हम इसको शार्पनर से इरेज पूरा करेंगे, शार्प करेंगे, कटर से छीलेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको कटर से साफ करते हैं या फिर चाकू से साफ करते हैं। तो कैसे करेंगे इसका वीडियो के माध्यम से दूसरे वीडियो में हम बता देंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लस का साइन बना लिए थे और इसी प्लस के अंदर हम लोगों को क्या बनाना है, आइज़ बनाना है और उसी के ऊपर जो है आईब्रो बनाना है। तो एक एक पॉइंट को आप सब देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आइज़ बना रहे हैं, जैसे कि आप सब देख रहे हो एकदम इजीली, जैसे कि हम लोग मेजरमेंट करके एकदम इजी तरीका से बनाएंगे, आप सबको यहाँ से समझ में आएगा और जो भी थोड़ा बहुत गलती होगा वो भी आप सबको दिखाएंगे। सबसे गलती हो सकता है, हमसे भी गलती होता है, बहुत दिन से हम भी बना रहे हैं लेकिन हमसे भी गलती होता है। जैसे आप देख रहे हो जहाँ गलती हो रहा है उसको हम इरेज कर देते हैं, जैसे कि उसको सही से हम बना सकें। अब एक साइड का हमारा आइज बन चुका है, अब हम बना रहे हैं दूसरे साइड का आईब्रो, जो कि एक साइड का आईब्रो आइज कंप्लीट हो गया, दूसरी साइड का हम लोग बना रहे हैं आईब्रो, जो कि आईब्रो हो चुका है जैसे अब वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं आई, जो कि हम लोग जो आइज बना रहे हैं, एक जो आइज था जो साइड वाला आइज था ये थोड़ा सा तिरछा था, तो हमारा फेस अगर ऐसे है तो ये पीछे वाला जो आइज है पूरी तरीका से नहीं दिखाई देगा, लेकिन सामने वाला आइज पूरी तरीका से दिखाई देगा। तो ये पिक्चर हम बना रहे हैं थोड़ा सा दुर्गा माता का जो पिक्चर है थोड़ा सा ऐसे है, तो ये वाला पीछे वाला जो आइज है वो कम दिखाई देगा और इधर वाला आइज है तो पूरा दिखाई देगा। इसीलिए हम इस वीडियो में हम जो स्केचिंग कर रहे हैं, आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अब हमको लग रहा था कि जो आईब्रो हम बनाए हैं ये आईब्रो थोड़ा सा सट गया है आँख में, इसीलिए उसको इरेज कर दिए। इरेज करने के बाद थोड़ा सा ऊपर करके बना दिए। आई होप कि आप सबको पता चला होगा, सबसे पहले एक प्लस का साइन लिए थे, उसी प्लस के दोनों साइड में हम लोग आई बना दिए, उसके ऊपर आईब्रो बना दिए। अब हम लोग नोज़ बनाए थे, जो कि नोज़ थोड़ा सा छोटा हो गया था आई के हिसाब से, तो इसीलिए उसको हम लोग का किए थोड़ा सा बड़ा कर दिए। आप सबको समझ में आ रहा होगा एक एक स्टेप यहाँ पर हम बता रहे हैं, वीडियो लंबा होगा लेकिन आप सबको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं ये सब चीज़ अच्छे से आप लोग सीख जाइएगा। तब हम लोग लिप्स बना रहे हैं, तो लिप्स बनाने के लिए देखिए जो साइड वाला लिप्स है जो कि सामने जो दिखाई देता है पूरी तरीका से आगे रहेगा, जो बैक में है वो क्या करेगा थोड़ा सा रहेगा, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग आइज़ कंप्लीट हुआ, नोज़ कंप्लीट हुआ, अब लिप्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लिप्स के बाद जो नीचे वाला ये टुड्डी होता है यहाँ पे जो ये गड्ढा होता है उस हिस्से को बनाते हैं, ये हिस्सा बन जाता है। तो आप लोगों को पता है माता जी का 3 आँख होता है, कोई भी भगवान कल बोलता है कि 2 आँख और ये 3 आँख होता है, इसीलिए यहाँ पे बीच में एक आइज बना रहे हैं, यहाँ पे बीच वाला हिस्सा पे जो कि आप लोग देख रहे हैं उसी के नीचे एक टीका बना रहे हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे एक बिंदी लगा दिए। अब हम लोग यहाँ से हम लोग का ये फेस का बीच का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मेजरमेंट लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमको बाल बनाना है, हेयर बनाना है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि इस टाइप से हम लोग आउटलाइन कर लिए। जब हम लोग हेयर बनाते हैं ऐसे ही मेजरमेंट ले रहे हैं, अभी फिनिशिंग नहीं हो रहा है, आउटलाइन अभी फिनिशिंग नहीं हो रहा है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बनाया जा रहा है, जो कि लगे कि सुंदर लग रहा है या नहीं लग रहा है, फिर नहीं लगेगा तो उसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद उसको थोड़ा सा मिलाएंगे, मिलाने के बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का फेस का आउटलाइन। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे हम बना रहे हैं।
तो चलो यहाँ पे हम लोग का फेस का आउटलाइन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो बाल बना रहे थे, बाल का जो ये जिसको कनपट्टी भी बोला जाता है, तो ये वाला जो बाल थोड़ा सा इस तरीके से घुमा हुआ है, तो ये हम लोग इस तरीके से बना दिए, जो कि वीडियो में आप सब देख सकते हो। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसे आउटलाइन को ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताओ, और सब्सक्राइब करो चैनल को। बड़े बड़े लोग सब्सक्राइब करते करने के लिए बोलते हैं चैनल को, अभी मैंने सोचा कि हमको भी बोलना चाहिए। आप सब यहां से कुछ सीख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस तरीक़े से बनाने का कोशिश करो। अब हम लोग यहां पे गहना बना रहे हैं, जो कि ये गोल करके बनाना है। तो आप सबको गोल करने आता है, गोल करके एक तरीक़ा से नोक टाइप का बना देना है, और उसी में चार पांच बॉक्स टाइप का बनाना है, और उसी पे डिजाइन देना है, जो कि वीडियो में आप लोग देख सकते हो। इसका पिक्चर जो है, जो कि इसी पिक्चर का अंतिम में हम जो कंप्लीट किए हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग इस पिक्चर को देख के बना सकते हो किस तरीके से बनाया गया है। तो एक साइड का हम लोग का आउटलाइन जो हेयर रिंग बना रहे थे, ईयर रिंग बना रहे थे, वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी साइड का बना रहे हैं, तो दूसरे साइड का तो सेम ही होता है, एक साइड का जैसा होता है वैसे ही दूसरे साइड का होता है क्या। तो इस तरीके से हम लोग उस साइड का भी बना रहे हैं, बस बीच में गोल कर कर के एक तरफ नोकी करते जाना है, बस यही टेक्निक का फॉलो करके इसको कंप्लीट करना है। जो बाहर वाला जो हम लोग गहना बना रहे हैं, तो बाहर का हिस्सा है जो ईयर रिंग होता है, उसका जो बस गोल गोल करना है, फिर सेकेंड वाला स्टेप छोड़ के थर्ड वाला में गोल गोल करके हम बना रहे हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किसको ब्लैक करना है और किसको लाइटिंग करना है, किसको डार्क एरिया में करना है। तो इस तरीक़ा से हम जो दुर्गा माता का पिक्चर बना रहे थे, तो दोनों साइड से हेयर रिंग बन चुका है। आई होप कि आप सबको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा, आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, नहीं भी आ रहा तभी बताना, इसलिए कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसको कंप्लीट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस तरीक़े से भी मिक्स करने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ से हम लोग बाल बना दिए, अब बाल के साइड वाला जो कुछ गहना होता है, उस गहने को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीक़े से डिजाइन दे के हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा डिजाइन दे दिया जाए, तो इसमें एक तीर जैसा बना के डिजाइन दे देते हैं, और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें गोल गोल करके डिजाइन दे देते हैं। एक एक स्टेप को हम यहाँ से बता रहे हैं, सबको समझ में आना चाहिए, सबको बनाने आना चाहिए। एक बार में नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, ट्राई करोगे तो। ऐसा ही ट्राई करते रहना है कि कुछ ना कुछ हम सबसे बनते रहे। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा पिक्चर है, इतना फिनिशिंग है, कैसे बनाएंगे, किस तरीक़ा से करेंगे, ये सब नहीं सोचना है। इसलिए नहीं सोचना है कि कोई ज़रूरत नहीं इतना सोचने के लिए। अभी हम लोग बना रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ट्राई करेंगे कि कुछ बेहतर हो। जैसे बना रहे हैं, कुछ लगे कि हाँ माता जी का तस्वीर बना रहे हैं, ऐसा नहीं लगे कि बनाए कुछ बनवे नहीं किया, पहले ही सोच लिए कि हमसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब सोच लिए नहीं बनेगा तो कहाँ से बनेगा, सब कोई तो सीख के आता नहीं है। हम लोग साइकिल गाड़ी चलाना सीखे थे यहाँ पे आके, क्या पहले से सीख के तो आए नहीं थे। आप सब में बात होता है कि ऐसे ही वो उसको चलाने नहीं आता, ऐसे ऐसे करके उधर एक्सीडेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उससे हम बोलना चाहते हैं क्या तुम पहले से ही सीख के आया था क्या, कि यहीं पे सीखा था। यह कि कंट्रोल में आप सबको कुछ करना चाहिए, जो भी करो, गाड़ी चलाओ, जो भी करो। तो इस तरीक़े से हम लोग जो मुकुट में और बाल में जो है गहना है, तो हम इस तरीक़े से आउटलाइन को गहना बना रहे हैं, एक एक स्टेप को बना रहे हैं। आप सबको समझ में आना चाहिए, और यहाँ से एकदम वीडियो को स्लो करके बना रहे हैं कि आप सबको यहाँ से कुछ समझ में आए, और कैसे आउटलाइन ड्रॉ किया जाता है उसको यहाँ से आप सबको समझ में आए। तो देखो, आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्लस किए थे, और दोनों साइड में आई बनाए थे, उसके ऊपर एब्रो, बीच में नोज, उसके बाद लिप्स, उसके बाद हम फेस का बाहरी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। जब ये सब कंप्लीट हो जाता है, तो ऊपर वाला जो हेयर स्टाइल होता है उसको थोड़ा सा मेजरमेंट करके बना देते हैं। उसके अलावा जितना इसमें गहना बनाया गया है, जो आपको बनाया गया हेयर रिंग बना रहे हैं, उस हेयर रिंग को धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट किए हैं। आई होप कि सब इसी तरीक़ा से कंप्लीट कर रहे होंगे। धीरे धीरे ही गहना बहुत ज़्यादा गहना है, इतना स्टार्टिंग में आप सब इतना ज़्यादा गहना बनाने का कोशिश ना करें,
इसमें से जैसे कि बहुत सारा डिजाइनिंग दिया हुआ है, आप उसको सिंपल कर दीजिए। जैसे कि हम बीच वाला हेयर रिंग बनाए हैं, इतना बड़ा करके 5 सर्किल करके बनाया गया है, तो आप लोग 2 सर्किल कर दो, एक को डार्क कर दो, इस एक को लाइट कर दो, तो आप सबको यहाँ से आसानी से कुछ ना कुछ बन जाएगा, अच्छे से बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बगल में दिखाई दे रहा होगा आप सबको, ये जो चारकोल पेंसिल का हम यूज करके बना रहे हैं, सबसे पहले एक नॉर्मल सा पेंसिल से इसका आउटलाइन ड्रॉ कर लिए। जब इसका डिजाइन सोच सोच के बनाना पड़ता है कि किस तरीका से कौन सा डिजाइन दिया जाए, ऐसा नहीं कि जैसे मन तैसे दे देंगे, अपने हिसाब से सोच सोच के बनाना पड़ रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है इसको कौन सा डिजाइन दिया जाए। जैसे आप सब देख रहे हो, धीरे धीरे करके इसे कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग गहना को कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो भी ज्वेलर्स बना रहे हैं उसको लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग दे देते हैं, जो कि हेयर रिंग है, ये थोड़ा सूना सूना बाहर से लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ डिजाइनिंग दे दिया जाए, तो इस टाइप का हम लोग डिजाइनिंग दे दिए। आप लोग, आपके दिमाग में कुछ है तो आप सब यहाँ पर दे सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। तो हमको इस तरीका से डिज़ाइन ठीक लग रहा है, तो मैंने इसको इस टाइप का डिज़ाइन दिया है। अब एक साइड का दे दिए तो एक साइड का और भी देना तो पड़ेगा ना, तो सबको समझ में आ रहा है कि ये आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, कैसे किए हैं। धीरे धीरे करके आप सबको सब कुछ समझ में आएगा, ऐसे ही वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे एकदम इजीली, स्टेप बाई स्टेप। वीडियो तो लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ से आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ज़रूर। अगर जितना देर का वीडियो उतना देर आप सब देखते हो, तो आप सबको समझ में आएगा किस तरीका से इस आउटलाइन को ड्रॉ किए हैं, कैसे इसमें मेजरमेंट करके किस चीज़ को बनाया है। यहाँ पे कोई भी वीडियो का कट पेस्ट नहीं किया गया है, बस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट किया गया है, और जो भी वीडियो है जेन्युइन वीडियो है, कहाँ पे इरेज करके बनाए हैं, कहाँ पे किस तरीका से बनाए हैं, जहाँ भी मिस्टेक हुआ है उसको सामने इरेज किए हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए हम वीडियो डायरेक्ट बना रहे हैं और गलती हो गया तो वीडियो को स्टॉप किए और उसको इरेज किए फिर बनाना चालू कर दिए, इस तरीका से नहीं। जो भी सबसे गलती होता है, जो भी गलती हुआ है उसको इरेज करके उसको फिनिशिंग किए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सब देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं गहना, जो कि हम लोगों का इयर रिंग कम्प्लीट हो चुका है, बाल के साइड का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का नीचे वाला साइड में फेस के नीचे जो हार होता है, उस हार को बना रहे हैं, वो भी बनाएंगे इस पेंसिल के ही मदद से। तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोग हार्ड नहीं बनाए हैं, बस सिंपल सा बनाए हैं, बस इसे जितना ज़्यादा आप लोग फिनिशिंग करोगे, जितना सिंपल रहेगा उतना ज़्यादा फिनिशिंग करोगे, उतना ही ज़बरदस्त लगेगा जो भी स्केचिंग आप लोग बना रहे हैं। तो ये एक बॉक्स टाइप का बस हम लोग कर रहे हैं, बॉक्स बॉक्स बना के। अब इसमें हम लोग शेडिंग करके इसको जब हम मिक्स करेंगे, बहुत ही लजवाब लगेगा, इतना खूबसूरत कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना खूबसूरत लग रहा है। बस सिंपल सा मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको फिनिशिंग करना है, किस तरीके से फिनिशिंग करना है। तो यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर का एरिया लग रहा है, जो भी इस साइड में लग रहा है कि सनाटा सनाटा टाइप का है, उसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग बना रहे हैं मंटी का, यहाँ का जो ज्वेलर्स होता है जो कि बीच से आता है और इस साइड में ऐसे जाता है, इसको हम लोग बना रहे हैं। तो मैंने सोचा इसका डिजाइन क्या दिया जाए, तो इस तरीके से बना रहे हैं, लेकिन बनाने के बाद हम संतुष्ट नहीं हुए, इसीलिए इसको इरेज कर दिए। फिर हमने सोचा कि इसको इस टाइप का बनाया जाए, तो ये छोटा छोटा कर्व टाइप का मैंने बना लिया और नीचे से ये तीर टाइप का कर दिया और ऊपर से ढक्कन टाइप का इसको लगा देंगे। अब ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, ढक्कन टाइप का लगा देंगे, जिस तरीके से क्या होगा, इसका खूबसूरती बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, ये भी डिजाइन काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। अब वैसे ही एक साइड में कर दिए, तो दूसरे साइड में हम कर रहे हैं और नीचे के साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉक्स बॉक्स टाइप का बना रहे हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही वीडियो हम लोग बनाएंगे, ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे और ऐसे ही आप सभी प्रैक्टिस करते रहो। एक बार में नहीं होगा, लेकिन 2-3 बार में ज़रूर होगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, कैसे बनाया गया है इस वीडियो को देखते रहना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते रहो, और वीडियो में कुछ सीखने को मिले तो लाइक कमेंट सब ज़रूर कर देना, और इसे सीखना चाहते हो तो आप सब सीख भी सकते हो। मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन तो क्लास नहीं होता, ऑनलाइन बस यूट्यूब पे ही डाला जाता है,
ऑफलाइन क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, और जाके चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ भी हर एक डिटेल मिल जाएगा कि क्लास को मेरा कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनिशिंग करना। तो फिनिशिंग करने के लिए हम लोग चारकोल पेंसिल का यूज करते हैं। चारकोल पेंसिल यूज करने के पहले अच्छी तरीके से इसे मैंने शार्प कर लिया था, शार्प करने के एकदम नोखी जैसा चूक बना दिए। अब इसके बाद से इसको फिनिशिंग करके हम यहाँ पे स्टार्ट कर दिए बनाना, जो कि हम लोग चारकोल का यूज करने के बाद ये जो ब्रश आप लोग देख रहे हैं उस ब्रश से उसको मिक्स करते हैं। नहीं मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि चारकोल पाउडर क्या होगा इधर से दूसरे बॉक्स में चल जाएगा, जिसके वजह से वहाँ से यहाँ काला होना चाहिए, जहाँ वाइट होना चाहिए वहाँ भी काला हो जाएगा, तो वो धब्बा टाइप का लगेगा जो कि फिनिशिंग नहीं होगा, अच्छे नहीं लगेगा। जो कि हम लोग तीन चारकोल पेंसिल को शार्प किए हैं, चारकोल पेंसिल भी जो हम ये यूज किए हैं इसमें तीन टाइप का आता है, सॉफ्ट मीडियम हार्ड। तो यहाँ पे सॉफ्ट पेंसिल का यूज किया गया। तीनों पेंसिल के ऊपर देखो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का इस टाइप का बॉर्डर पेंसिल में, तो ये जो है वो सॉफ्ट है। रेड कलर का दिखाई देता है वो हार्ड होता है, और जो पीला कलर का इसमें रहता है वो मीडियम होता है। तो इस तरीका से हम सॉफ्ट पेंसिल का यूज करके इसको कंप्लीट कर रहे हैं, और एक एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग चारकोल पेंसिल के माध्यम से इसे कंप्लीट कर रहे हैं। और ये देखते ही देखते बहुत ही खूबसूरत बन रहा है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा कि मैं बनाते बनाते इस टाइप का मैंने डिज़ाइन इसका स्ट्रक्चर दे दिया कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हमको लग रहा है कि अब ये कंप्लीट हो गया, तो इसको जब कंप्लीट हो जाता है तो इसको जाके फ्रेमिंग करवाएंगे, और जो मेरा क्लास का ऑफिस है ऑफिस के पास हम अपने बगल में लगाएंगे कि हमेशा देखते रहें कि माता जी का पिक्चर मेरे आसपास में है, और वहाँ पे हमेशा ऐसे आशीर्वाद लेते रहें। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो गहना है उसको छोड़ के हम लोग चारकोल पेंसिल का यूज करके उसको ब्लैक कर रहे हैं, जो कि जितना ब्लैक वाला पार्ट है उसको ब्लैक करेंगे। बस इसमें शेडिंग टाइप का कुछ नहीं करना है, बस इसे जैसे पेंसिल को हैचिंग टाइप का करना रहता है हैचिंग करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हैचिंग करेंगे। बस जो भी जैसे कलर भरा जाता है वैसे ही कलर भरते जाओ, जो बाल है वहाँ पर कलर भरते जाओ, जो कि आप सब इस वीडियो में देख रहे होंगे कि हम मैंने सोचा कि नीचे ही बैठ के बनाते हैं, थोड़ा बहुत हमको दिक्कत हो रहा था बनाने में, टेबल पे बनाते थे तो टेबल का जो ऊपर वाला डिजाइनिंग होता है वो थोड़ा थोड़ा छप जाता था इस पेज पे, इसीलिए मैंने सोचा कि नीचे बनाएंगे। नीचे बैठ गए और इसे अपना लाइटिंग पोजीशन लगा दिए, कैमरा लगा दिए और बनाना स्टार्ट कर दिए। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं। जो भी लाइटिंग एरिया उसको कंप्लीट करके इस टाइप का हम लोग कर रहे हैं। अब देखो ये जो वीडियो है एकदम नॉर्मल करके तो हम लोग आप सबको दिखा तो नहीं सकते हैं, इसीलिए वीडियो को फास्ट किया गया है, जिसे फास्ट करने के बाद जल्दी से आप सबको समझ में तो आ रहा होगा, थोड़ा बहुत फास्ट कर देंगे तो ये क्या होगा जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। इसलिए इस वीडियो को बनाने में करीब हमको 3-4 घंटा लग गया था इस पिक्चर को बनाने के लिए। इसलिए चारकोल पेंसिल का यूज करने के लिए इस टाइप का करके फिर ब्लेंडिंग करना पड़ता था, ब्लेंडिंग ब्रश से या फिर मेकअप ब्रश से उसको मिक्स करना पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। आप लोग चाहो तो आउटलाइन पेंसिल, डोम्स पेंसिल, कोई भी पेंसिल का यूज करके बना सकते हो। बस यही हो सकता है कि इतना ज़्यादा डार्क नहीं होगा, इतना ज़्यादा ब्लैक पेंसिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग कोई भी पेंसिल से बनाओगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। जिस तरीके से हम बना रहे हैं एक एक स्टेप को आप लोग ऐसे ही बनाते जाओ, आप सबको यहाँ से कुछ सीखने को मिलते जाएगा, और यहाँ से इस चैनल के माध्यम से हमेशा वीडियो भी आते रहेगा। जिस तरीके से आप सब इस वीडियो को देखकर अच्छे से यहाँ से कुछ ना कुछ सीख जाओगे। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इस वीडियो को सिखाया गया है। इस चैनल पे आप सब नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, ऐसे ही वीडियो को देखते रहो। और देखते ही देखते बहुत ही खूबसूरत ये दुर्गा माता का मैंने पिक्चर बना दिया है, देखते ही देखते बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जो कि हम लोग इस साइड का हेयर रिंग बना रहे हैं। हेयर रिंग बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आउटलाइन पेंसिल का थोड़ा सा यूज कर लिए, सोचे कि इसमें थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आउटलाइन पेंसिल 4B पेंसिल का यूज करके थोड़ा बहुत इसको डार्क कर रहे हैं, जो कि आप लोग देख रहे हो जो कि गोल गोल का डिजाइन बना हुआ है उसको छोड़ के उसके जो बैकग्राउंड वाला है उसको हम लोग डार्क कर रहे हैं।
आप सबको दिख रहा होगा कैसे डार्क किए हैं। अब इस तरीका चारकोल पेंसिल का यूज करके हम इसे बना लिए, और यहाँ भी हम लोग सोचे कि आर्ट लाइन पेंसिल का ही यूज करके इसे भी डार्क कर देते हैं। अब बीच वाला में थोड़ा सा लाइटिंग पोजीशन वाला कर देते हैं, बीच वाला लाइट हो गया, स्टोन टाइप का दिखाई दे रहा है। इस तरीका से इसे कंप्लीट किया गया। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही वीडियो हमेशा डालते रहेंगे। सुबह मेरा वीडियो डालने का समय 7 से 8 बजे रहेगा, हमेशा 7 से 8 बजे वीडियो डालेंगे। और जो शॉर्ट वीडियो भी डाला जाता है, इस पर शॉर्ट वीडियो का टाइमिंग रहता है 12 बजे के बाद ही टाइमिंग रहता है, हमेशा आ जाएगा शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट वीडियो आप लोग हमारा देखोगे तभी आप सबके पास आएगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है। शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं जाता है। इस तरीका से करके हम लोग आईब्रो बना दिए। आईब्रो बनाने के बाद यहाँ पे आई को बना दी। आई को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, बस इस आई का जो आउटलाइन है उसको डार्क कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग जो ये बाल होता है, ये आइडल जो हम लोग का पपनी है, उस इसका बाल हम लोग बना रहे हैं, जो बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसे ब्लेंडिंग ब्रश के माध्यम से थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया, जिसके वजह से जो भी चारकोल पाउडर लगा होगा पेंसिल में से उस शार्प हो के फिनिशिंग हो जाएगा। अब हम इस साइड वाला जो आई बनाए थे, आउटलाइन बनाए थे, अब इस आउटलाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइप का हम लोग डार्क कर रहे हैं। डार्क करके इस टाइप का ब्राउन, किसी भी इंसान या किसी भी माता किसी चीज़ का पिक्चर बनाना हो, मनुष्य का पिक्चर बनाना हो, तो आई जब बना रहे हो तो आई जो बनाने के बाद पूरी तरीका से काला कर दोगे तो वो क्या हो गया, काला आईज हो गया। और इसी पेंसिल के माध्यम से क्या करोगे आप लोग, बीच में डार्क करके आर्ट साइड वाला एरिया को मिक्स करके अंदर कर दोगे, आईबॉल के अंदर ही दो पार्ट में कर दोगे, गोल छोटा वाला फिर बड़ा वाला, तब क्या होगा कि इस टाइप का दिखाई देगा तो लगेगा हाँ ब्राउन टाइप का आई है। इस टाइप का बनाओगे तो लगेगा कि ब्राउन टाइप का है, जैसे माता जी का है इस टाइप का लग रहा है कि हाँ ब्राउन कलर का आई है। अब हम लोग तीसरा आँख भी कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा बहुत इसका मिक्सिंग कर लेते हैं साइड से, और नीचे वाला हिस्से को बनाना हम लोग चालू कर देते हैं। अब ये आई भी कंप्लीट हो गया, एक हम बिंदी बना दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग नोज़ बना रहे हैं। जब हम लोग नोज़ बना रहे हैं तो इस टाइप का चारों तरफ से हम लोग ये नोज़ को मिक्स कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं पेंसिल का यूज करके, अब ब्लेंडिंग टूल्स का यूज करके हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, जो कि आप सब देख रहे हो कि नोज़ भी काफ़ी खूबसूरत हो गया है। अब जब नोज़ कंप्लीट हो जाता है कि तो नोज़ वाला जो गहना है उसे बनाएंगे या फिर लिप्स को बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने लिप्स बना लिया है। लिप्स को बनाने के लिए ऊपर वाला डार्क कर दिए और नीचे वाला हिस्सा को इस टाइप का बना दिए, और नीचे वाला जो ये वाला ठुड्डी है इसका भी एक शेप दे दिया, और इसका ब्लेंडिंग करके ब्लेंड कर दिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये हार बनाना। माता जी का जो हार है बहुत ही चौड़ा है, बहुत ही बड़ा है, इसलिए इस हार को हम लोग बना रहे हैं, जो कि आप सब वीडियो के माध्यम से देख रहे हो। और जो ये हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसमें ये वाला बॉक्स टाइप का हम लोग बस पेंसिल का यूज करके कर दिए। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ब्लेंडिंग ब्रश का यूज करके उसको ब्लेंड कर देंगे, जिससे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पे चारकोल पेंसिल का ही यूज करके, सॉफ्ट पेंसिल का यूज करके इसको ब्लेंड कर दिए। जब ब्लेंड हो गया तो ऊपर वाला हम लोग हिस्से को बना रहे हैं। देखो कैसे बना रहे हैं, बस ये जो बॉक्स वाला हिस्सा है उसको पेंसिल चला के उसको ब्रश से मिक्स कर दिए, और जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम लोग इरेज कर दिए पतला वाला इरेजर के माध्यम से। अब हम लोग ये नाक का नथुनी जो होता है इसे हम लोग बना रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा है। और ये फेस का जो आउट वाला स्ट्रक्चर है इसे भी हम लोग कंप्लीट कर दिए। आई होप कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होगा आप सबको ये पिक्चर, कितना ही ज़बरदस्त बना हुआ है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, हमें लग रहा है कि ऐसा एक और पिक्चर बनाए, लेकिन उसमें कुछ डिजाइनिंग चेंज होगा, माता जी का डिजाइनिंग चेंज करके इसे बनाएंगे। आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। कि किस तरीका से इसे बनाया गया। और एक साइड का हम लोग का हेयर रिंग कंप्लीट हो गया, अब हम लोग दूसरे साइड का हेयर रिंग बना रहे हैं।
जो कि आप सब वीडियो में देख रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कुछ ना कुछ तो यहाँ से समझ में आ ही रहा होगा। अब इस तरीका से करके हम लोग ये हेयर रिंग बना लिए दोनों साइड का, और अब हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में हम लोग ये बना लेते हैं, बाल को भी कंप्लीट कर लेता है। तो माता जी का बाल कंप्लीट हो गया, फेस कंप्लीट हो गया, चारों तरफ का गहना भी कंप्लीट हो गया, मंटी का भी कंप्लीट हो गया, आई भी बन गया, और इस साइड का जो बाल में थोड़ा बहुत गहना है, मुकुट जिसको बोल सकते हैं, उसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप कि आप सबको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे और ऐसे ही आप सबको वीडियो डालते रहेंगे। आप सबको किस चीज़ का वीडियो चाहिए आप सब हमें कमेंट करके बताइए, उसी का वीडियो हम बना के आप सबको अपलोड करेंगे। अगर रियल टाइम आप सबको वीडियो चाहिए तो लाइव वीडियो आप सबके लिए डाल देंगे, जिससे आप सबको समझ में आए कैसे बनाना है। ऐसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, थोड़ा बहुत मिक्स करके बनाते हैं, तो हो सकता है कि इसमें आप सबको थोड़ा बहुत किसी न किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे माता जी कंप्लीट हो गई हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कि हम लोग टेप चिपकाए थे मास्किंग टेप, उस टेप को हटा देते हैं। देखो, टेप हम इसलिए चिपकाए थे कि यहाँ पे बॉर्डर अच्छे तरीके से बन जाए, इसीलिए हम लोग टेप चिपकाए थे। तो ये टेप के फ़ायदे आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये टेप चिपकाने के बाद किस तरीका से ये बॉर्डर बना हुआ है। और ये माता जी का जो पिक्चर है आप सबको दिखा रहे हैं, कितना खूबसूरत बना हुआ है, बस एक चारकोल पेंसिल का यूज करके, ब्लेंडिंग ब्रश का यूज करके। आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब मिलेंगे आप सबसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।